हेलो, संडे को आज मैं ये वीडियो थोड़ा लेट अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि एक फैमिली फंक्शन में गया हुआ था, लेकिन वीडियो अपलोड करना इसलिए ज़रूरी है कि सबको बेसब्री से इंतज़ार है मंडे का, क्योंकि मंडे को क्या होगा। कल सितंबर का आखिरी दिन है, क्वार्टरली क्लोजिंग भी होगा कई जगहों पे, कई कॉरपोरेट्स में, बैंकों में, तो वो 3 महीने के रिजल्ट की सीजन भी शुरू हो रही है और बैंकों में तो क्या होगा, हाफ ईयरली क्लोजिंग आ जाएगी, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो हाफ ईयरली क्लोजिंग आएगा, तो बैंकों के एनपीएस के फिगर्स बदलेंगे, डिपॉजिट ग्रोथ के फिगर आएंगे, टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन, ओवरड्राफ्ट, ईटीसी, तो मेरा ऐसा मानना है कि यही बड़ा ट्रिगर होगा फॉर द अक्टूबर सीरीज, जो कि अब शुरू हो गई है। तो मंडे को देखिए मार्केट गैप अप खुलेगा, आपके लिए है ना ये अच्छी खबर। तो अगर आपने कुछ ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किए हैं मंडे के लिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे मार्केट ओपन हो और अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता हो तो आप अपनी पुरानी पोजीशन स्क्वेयर अप कर दीजिए। और इसी तरह फ्राइडे को अगर आपने जो ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किए हैं उसमें फ्राइडे के हिसाब में मंडे को लॉस आपकी कम हो जाती है तो भी आप स्क्वेयर अप करके बैठें, फिर देखें मार्केट कहाँ जाती है और फिर से नई पोजीशन बना लें। अभी देखिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पर इलेक्टोरल बॉन्ड के इश्यू के चलते हुए स्पेशल कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि उन पर FIR हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उन पर दायर हो। और भी कई बड़े नेता के लोग, बड़े नेता के नाम भी है इस तरह FIR जिसके सामने दर्ज कराने की बात कही गई। तो क्या होगा इसमें, देखिए कोई भी सरकार हो वो यही चाहेगी कि ये खबर का कोई वजूद नहीं है इसको साबित करने के लिए। कल बाजार पे इसका कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने देंगे। जो DIA है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, वो जरा सी नेगेटिविटी कल बाजार पे नहीं देखने देंगे, क्यों कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में फाइनेंस मिनिस्टर के सामने अगर FIR का आदेश दिया है स्पेशल कोर्ट ने, और अगर मार्केट टूट जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी जो संचालन एक्सचेकर का उसमें कहीं कुछ दिक्कतें हैं। तो
सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इस न्यूज को देखते हुए बाजार गिरने दे। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है कि निर्मला सीतारमण जी के खिलाफ FIR करने का कोर्ट का आदेश, ये कोई नहीं बताएगा आपको। मंडे को क्रैश होगी मार्केट, 15 शेयर गिर जाएंगे, इतने शेयर गिरेंगे, लेकिन ये लॉजिक आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए, किसी भी सरकार है वो नहीं चाहेगी कि उस दिन बाजार गिरे जिसके एक दिन पहले ऐसी खबरें आई हो कि वित्त मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज हो। तो एक तो यही ट्रिगर मार्केट इसलिए बढ़ेगा, और दूसरी बात, हमारा जो आर्थिक, हमारा जो रिजर्व फॉरेन करेंसी का भंडारण है वो बहुत बढ़ चुका है। इन द लास्ट 40 इयर्स का सबसे ज्यादा 700 बिलियन US डॉलर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये कोई छोटा ट्रिगर नहीं है, बहुत बड़ा ट्रिगर है। इस खबर के चलते हुए भी मार्केट चलेगी। तीसरा ट्रिगर क्या है? तीसरा ट्रिगर ये है कि क्रूड के दामों में कोई ज्यादा गिरावट या ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। FII ने 22,000 करोड़ के कैश खरीद और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 24,000 करोड़ की खरीदारी स्टॉक मार्केट में की है, और जो रिटेल इन्वेस्टर है हम जैसे, उन्होंने भी 57 करोड़ रुपये शेयर बाजार को दे दिए हैं माल खरीदने के लिए। तो आपको क्या लगता है, बाजार गिरेगी क्या? और जो चौथा रीजन है पॉजिटिव, बाजार को तेजी तरफी ले जाने वाला, वो ये है कि शुक्रवार को बैंक निफ्टी काफी गिर चुका था, काफी गिरावट आई थी, और इस बड़ी गिरावट के कारण से निफ्टी को बढ़ना था वो बढ़ नहीं पाया, और मामूली सी गिरावट के साथ वो बंद हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी सफोकेशन स्टेज में रहा, उसको बढ़ना था लेकिन नहीं बढ़ पाया। जब बाजूक वाला उसका भाई इतना गिर रहा है तो वो कैसे बढ़ सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब जो ट्रिगर्स है वो मार्केट को कल अप ले जाएगी। देखिए, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बहुत जल्दी है और निफ्टी की भी जल्दी होगी, तो अब कल की बाजार देखने के बाद हम नेक्स्ट एक्सपायरी में जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 8 अक्टूबर को वोटों की काउंटिंग होने वाली है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के लिए। देखिए, इससे पहले प्रायर टू द एग्जैक्ट वोट काउंटिंग डे मार्केट बढ़ेगी, इस उम्मीद को कायम रखने के लिए कि बीजेपी को कोई डैमेज नहीं हो रहा है। होगा या नहीं होगा वो तो 8
अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन दुनिया को तो हमें ऐसा दिखाना है जब हमारी इकोनॉमी इतनी रोबस्ट हो गई है, हम ऐसा ही दिखाएंगे कि बीजेपी को हरियाणा या जम्मू कश्मीर में अच्छा रिस्पॉन्स वोटर्स से मिल रहा है। तो आपको 8 तारीख से पहले जितनी पोजीशन आपकी हो वो कट करनी है। हाँ, जो लंबी अवधि के शेयर आपने लिए हैं, जो बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया चलेंगे, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के ऑप्शन की बात नहीं करें, तो उसमें हमें क्या करना है कि 8 तारीख को जब हमें प्राइमा फेसी ये पता चले, देखो मैं वर्ड यूज करता हूँ प्राइमा फेसी, वो भी फाइनल नहीं होगा, लेकिन प्राइमा फेसी हमें ऐसा लगे कि बीजेपी को, बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा हो रहा है, तो 8 तारीख को हम इमीडिएटली पोजीशन बनाने लगेंगे, क्योंकि अगर बीजेपी को अच्छा बहुमत मिला ये दोनों राज्यों में, तो वो मार्केट को बड़ा इम्पैक्ट करेगा और मार्केट बढ़ेगी, इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। वैसे मार्केट तो बढ़ ही रही है, लेकिन इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। देखिए, आज भी दुनिया की मार्केट बंद है, लेकिन इज़राइल की मार्केट चालू है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की बातें जब होती है तो हमारे जहन में इज़राइल और ईरान ही आते हैं, बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है वहाँ, कभी भी कुछ हो सकता है, ऐसा फियर साइकोसिस दिखाते दिखाते ऑपरेटर लोग हमसे करोड़ों रुपया के शेयर सस्ते में उठा ले गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज भी इज़राइल की शेयर बाजार का इंडेक्स अप चल रहा है, TA-125, आप सर्च करके देख ले गूगल में, TA-125 अप है, जो जितना भी अप है, लेकिन अप है। डाउ जोन फ्यूचर भी अप है, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी कल करीबन 75 टू 100 पॉइंट्स का गैप अप दे सकता है, तो हमें, मैंने जैसे पहले बताया कि अगर प्रॉफिट होता है कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स में तो बुक कर लेना, और लॉस कम होता है अच्छा सा तो भी लॉस बुक कर लेना, और बाद में फिर पोजीशन बनानी है, लेकिन वो भी 7 तारीख से पहले पहले हमें, ज़्यादातर हो पाए तो स्क्वेयर अप कर देनी है। 8 तारीख को हमें काउंटिंग, जो कि 8 बजे शुरू हो जाएगा एज यूजुअल, जैसे जैसे रुझान आते रहेंगे हमें कुछ प्राइमरीली पता लगेगा कि क्या होने वाला हरियाणा और जम्मू कश्मीर। अगर रुझान आपको ऐसे लगे कि नहीं बीजेपी को कोई, या बीजेपी और उसके अलायंस को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, जन समर्थन मिल रहा है, तो आप नई पोजीशन बनें। और रिलायंस पे तो आपको नज़र रखनी ही है, उसका अभी 52 वीक हाई नहीं टूटा है इसलिए, लेकिन चूंकि फ्राइडे को उसने काफ़ी बढ़त दे दी है,
तो हमें देखना होगा मंडे को थोड़ा सा प्राइस कितना चलता है। मुझे तो लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा थोड़ा सा, तो वो 3,000 के आसपास आ जाएगा, तब उसमें फिर से एंट्री करनी है। लेकिन जो शेयर छाप के लेना है किसी भी भाव के लिए, वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर करीबन 329 के आसपास मिल रहा है। फ्राइडे को इसमें हल्की सी तेजी थी, लेकिन उसने अभी 780 करोड़ का एक आर्बिट्रेशन केस दामोदर वैली कॉरपोरेशन के सामने जीत लिया, और वो इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स व्हीकल बनाने की योजना भी कर रहे हैं। अनिल जी को फिर से उठना है, तो वो जो करेंगे वो अब बहुत बढ़िया होगा, ध्यान से करेंगे। और उसके पास अभी पूरा एक डिटेल डेटा है कि इलेक्ट्रिक ईवी में क्या मार्केट है, क्या की क्या क्या उस पर दिक्कतें आती है, कैसा मॉडल पॉपुलर हो रहा है, बैटरीज का क्या हालचाल है, वो सब वो जानते हैं। तो जो वो बनाएंगे वो बहुत बढ़िया बनाएंगे, इसको बाज़ार में काफ़ी रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके लिए उन्होंने एक एडवाइज़र को भी नियुक्त कर दिया, तो आप रिलायंस इंफ्रा पे नज़र रखिए। और दूसरी एक बात, अशोक लेलैंड जो है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में रख देना है। आप इसको खरीदते रहिए, इतना प्राइस नहीं है, हालांकि एक ज़माने में वो 26 रुपये मिल रहा था, 76 रुपये में मिल रहा था, 100 रुपीज में मिल रहा था, लेकिन वो तो दिन गए, हम बस चुप गए। लेकिन अब भी मौका है, इसका जो भाव है वो 250 के नीचे ही है या आसपास है, तो वो आप ले लीजिए, इकट्ठे करते रहिए। सुजलोन को मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड किया है, इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा दिखेगा, और उसका भाव अब थोड़ा चंद समय के लिए साइडवेज रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये आपको मल्टी बेगर शेयर साबित होने। तो चाहो तो इसको भी आप एक्यूमुलेट करते रहो। बात सिर्फ इतनी ही कहनी थी मुझे कि कल मार्केट अप होने वाला है, जो ट्रिगर्स है वो सब स्ट्रेंज ट्रिगर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो मनचा होती है गवर्नमेंट की, उसका रिएक्शन जो होता है न्यूज़ पे कैसा होता है, जो मैंने बताया। अब सोचिए कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट में FIR करने की बात से बाजार बढ़ेगा, कौन सोचेगा ऐसा, आप बताइए। लेकिन आप देखेंगे कल मार्केट गैपअप खुलेगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। मंडे को जो भी आपने प्रोविजन बनाई है इस एक्सपायरी की, उस पर नज़र रखते हुए आप इस पर जैसा प्रॉफिट निकल जाइए और नई पोजीशन बना लें। 8 तारीख के बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त यू टर्न आ जाएगा आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ हरियाणा एंड जम्मू काश्मीर रिजल्ट, ए यू टर्न विल बी देयर। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, और पोजीशन बनाने में थोड़े आप मंद गति से आगे बढ़ें।
क्योंकि देखिए चुनाव के नतीजे की सबको लगता है कह रहे ये तो विधानसभा का इलेक्शन, लेकिन इम्पैक्ट तो होता है, थोड़ा कम चलता है, दिनों की मैं बात करूँ कम चलता है लेकिन इम्पैक्ट तो होता है। तो बी केयरफुल, आपको सहज सोलार लिमिटेड नाम की कंपनी, उसको भी आप देखें, वो भी बढ़ने वाला है उसका भाव। तो बस आज यही कहने के लिए, ऐसे तो संडे है फिर भी बताने के लिए कि मार्केट बढ़ने वाला है कल, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे 5000 सब्सक्राइबर होने के नेट टारगेट को आप अपना सपोर्ट करें। गुड नाइट, कल मॉर्निंग में फिर मिलेंगे।